नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवकुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय आलोक पाठक सर, उनका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में आए दिन पुलिस की हालत पस्त होती चली जा रही। आज फिर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ, जो मुख्तार अंसारी के नाम से जाना जाता था, उसी जनपद में आज दो बाइकें आमने सामने भिड़ती हैं और देखते ही देखते वो भिड़ंत विकराल स्वरूप ले लेती है। मारपीट पथराव तक नौबत पहुंच जाती है। उस इलाके के क्षेत्राधिकारी यानी सर्किल ऑफिसर सीओ आते हैं, थाना प्रभारी आते हैं, दोनों उस आपाधापी में चोटिल हो जाते हैं। चोटिल होने के बाद उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है, जहां बड़ी तादाद में भीड़ पहुंचती है, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी पथराव कर देती है। देखते ही देखते वहां यूपी पुलिस बनाम जनता एक नया माहौल बन जाता है। बाद में उपजिलाधिकारी और वहां दूसरी सर्किल के क्षेत्राधिकारी, कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर भेजी जाती है, स्थिति नियंत्रण में की जाती है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में देर रात हो चुकी थी घटना होते होते, क्योंकि अभी तत्कालीन सवेरे सवेरे बहुत बड़ी जानकारियां एकत्रित नहीं हो सकी हैं, लेकिन स्थिति थी सामान्य। और आम जनमानस से मेरी ये अपील और अनुरोध है, वायरल खबरों पर ध्यान ना दें, किसी भी वीडियो पर ध्यान ना दें, स्थिति सामान्य, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बार फिर पुलिस की नाकामी दिखी। आए दिन सब कुछ टेस्टिंग होती है, कभी मौके पर हथियार फेल हो जाते हैं, कभी आंसू गैस के गोले नहीं फोड़े जाते। आपने यही हाल बहराइच में देखा, जब सीओ साहब वहां आंसू गैस की गोले की जो गन थी उसे लिए घूम रहे थे और गोले नहीं फूट रहे थे। आलोक सर, आपने इस खबर को बड़ी बारीकी से पढ़ा होगा, मामला ठीक नहीं दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। मामला कुछ नहीं है, एक दो बाइकों के बीच में टक्कर होती है, एक साहब अपनी पत्नी बच्चे के साथ जा रहे थे, दूसरी तरफ जो दूसरी बाइक थी वो शायद वो अकेला आ रहा था, और वो जो सज्जन थे दोनों बाइक लड़ गई, उसके बाद बहस शुरू हो गई, बहस होने के बाद मारपीट में तब्दील हो गई, एक शख्स ने दूसरे शख्स को चाकू मार दिया और उसके बाद लोग उसको अस्पताल ले गए, अस्पताल में बवाल हो गया। वहां पे शुरुआत में लोगों ने जिस शख्स को चाकू मारा था उसको गिरफ्तार करने की बात कर रहे थे, पुलिस को उसको तुरंत गिरफ्तार कर देना चाहिए, गिरफ्तारी में देरी हुई, इसकी वजह से बवाल बढ़ गया। अब बवाल बढ़ गया और पुलिस जो है, मुझे लगता है कि इस केस में पुलिस ने एक काम तो अच्छा किया कि वो जो सुखू राजभर जो घायल हुए थे उनको अस्पताल लेके चली गई, लेकिन फिर वहां बवाल बढ़ जाता है, अस्पताल पे अटैक हो जा रहा है। पुलिस को दिनेश चंद मिश्रा जो सीए थे उनको और जो एसओ साहब थे, एसओ साहब का नाम मैं पढ़ के बता रहा हूं, उनको चोट लग गई है वहां के। अब तो ये थानाध्यक्ष है राजकुमार सिंह, इनको चोट लगी और मतलब भीड़ का रिएक्शन देखिए, ये कोई मतलब बहुत मामूली सी घटना के बाद बवाल हो जा रहा है, लोगों के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है और हमारी पुलिस जो है पिट जा रही है मौके पे, लोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। अगर कानून का भय होता भाई, देखिए ये योगी जी के जिस कानून की बुलडोजर राज और पुलिस राज की बात होती है कि योगी का कानून का मॉडल बड़ा, योगी के पुलिस के राज में, योगी के राज में गुंडे माफिया सब यूपी छोड़ के चले गए हैं
और यहां देखिए भीड़ इतनी उग्र हो जा रही है कि पुलिस की गाड़ी ही फूंक दे रही है। सीओ दिनेश मिश्रा और इलाके के थानेदार राजकुमार सिंह को चोटिल हो जा रहे हैं, कई पुलिस वाले चोटिल हो जा रहे हैं, अस्पताल पे पथराव हो जा रहा है। और शुरुआत कहां से होती है? एक मामूली से बाइक एक्सीडेंट से होता है। अब अगर जिस सुखू राजभर जिसको चोट लगी है, जिसको चाकू मारा गया है, जिसने चाकू मारा है, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया होता तो शायद इतनी बात ना बढ़ती। ये मऊ के घोसी कस्बे की घटना है। खैर बवाल, और शाम को 4-5 बजे की घटना है। कंट्रोल नहीं हो पाया, बवाल बढ़ता चला गया। उसके बाद अब कई थानों की पुलिस, एसडीएम, एडिशनल एसपी सब पहुंच गए हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि अगर समय रहते पुलिस ने जिसने भी सक्कू राजभर को चक्कू मारा उसको गिरफ्तार कर लेती तो शायद इतना गुस्सा लोगों में इनमें ना होता। अब जिसने चक्कू मारा वो कह रहा है कि उन्होंने पहले हमारे उंगली को काट दिया था, गुस्से में मैंने मार दिया। पहली बात ये समझने वाली होगी सुकुमार जी, कोई शरीफ आदमी बाइक पर चक्कू लेके तो नहीं चलेगा। आप समझ रहे मेरी बात है? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब अपराधी घूम रहा है, अपराधी घूम रहे हैं, पुलिस को पता ही नहीं है। और भीड़ भीड़ पुलिस भीड़ जो है पुलिस पे ही आक्रमण कर दे रही है। ये आलोक सर सबसे बड़ा जो विचार का बिंदु है मेरी अपनी निगाह में, आपकी अपना एक अनुभव है, एक कैरियर है, पत्रकारिता का एक वर्षों का तजुर्बा है, मैं आपको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अपना मानना है कि समाज में नफरत इतनी परोसी जा रही है, अब जो नए बच्चे हैं उन्हें एक मिनट किसी की सुनने की परवाह नहीं बची है। हम और आप अपने परिवार में देखो, बच्चों से हम सवाल नहीं कर सकते हैं। जो चीज परोसी जा रही है बड़ी तीव्रता से बढ़ रही है, नफरत बे इंतहा फैल चुकी है, पीढ़ियां बर्बाद, इसे नहीं रोका गया। अच्छा, यहां तो मान लीजिए युवा था, हम मऊ की घटना मान लेते कि युवा था, उसने मार दिया, लेकिन अहमदाबाद में जो एमबीए का छात्र था वो तो युवा था, वहां तो एक सज्जन गाड़ी चला रहे थे पटोरिया जी, वो तो अच्छी खासी उम्र थी, लड़के ने टोक दिया उनको कि साहब इतना तेज गाड़ी मत चलाओ, उनको बुरा लग गया, उन्होंने मार दिया, लड़का मर गया। सिर्फ युवा की बात नहीं है, भी आदमी में, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अब किसी के अंदर धैर्य नहीं रह गया है। मुंबई की घटना याद कीजिए, एक कार और ऑटो वाले में ओवरटेकिंग को लेकर कुछ विवाद हो गया, टेम्पो वाले ने मिलकर कार सवार को, कार चलाने वाले की जान ले ली, जबकि उसकी मां रोती रह गई। और यहां जो बड़ा प्रश्न यह है कि पुलिस पे लोग आक्रमण कर दे रहे हैं, भीड़ का मनोबल इतना बढ़ गया। बहराइच की घटना में पुलिस के ऊपर ज्यादा आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन मऊ में तो पुलिस पे ही, सीओ घायल हो गए, थानेदार घायल हो गए और कई सिपाही घायल हुए। ऐसा भी नहीं कि किसी की जान, कई बार होता है कि जान चली जाती है, कुछ हो जाता तब बवाल है। और हॉस्पिटल पे हमला, हॉस्पिटल में तोड़फोड़, ये बता रहा है कि समाज को भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ हम ठीक है, हमें पुलिस के लिए बड़ी चिंता है कि पुलिस पिट जा रही है,
उत्तर प्रदेश की पुलिस को समझना पड़ेगा कि भीड़ को कैसे काबू पाना है। अभी मैं कहीं वीडियो देख रहा था, एसडीएम साहब माइक लेके बोल रहे थे कि भाई साहब आप लोग भीड़ मत लगाइए, भीड़ में से 5 आदमी आ जाइए, बैठ के बातें करते हैं। मौका वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे। क्यों नौबत ऐसी आती है? शुरुआत का इस घटना में तो गनीमत यह था कि पुलिस ले गई थाने में घायल को। बहराइच में तो आपने देखा था वीडियो आया था, रामगोपाल मिश्रा को ले जाने के लिए कोई गाड़ी ही नहीं थी पुलिस की, लोग बाइक पे लाद के लेके गए थे। एक थे तहसीलदार साहब, उन्होंने अपनी गाड़ी से ले जाने से मना कर दिया था। नहीं वो अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पुलिस ने कम से कम ये काम तो किया। पुलिस पे आक्रमण, भाई पुलिस पे आप ये भीड़ अगर पुलिस पे अटैक कर रही है, इसका मतलब उसके मन के अंदर, आम आदमी के मन के अंदर पुलिस का डर नहीं रह गया है। ये बड़ा सोचनीय विषय है। ऐसा नहीं है श्री कुमार जी कि हर पुलिस वाला बेईमान है, हर पुलिस वाला अकारण जनता को तंग करता है। आज भी आप पाइएगा कि तो 80-90% पुलिस फोर्स बहुत ही ईमानदार है और सेंसिटिव है। ये विचारणीय प्रश्न है ना। और अस्पताल पे अटैक हो जा रहा है, अस्पताल में दूसरों का इलाज चलता है। और एक घटना तो और हुई अभी अस्पताल की, उसको बताने में रूह कांप रही है। झांसी मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई है श्री कुमार जी। चलिए उसकी भी डिटेल अभी हम पता कर रहे हैं क्या है, लगातार जान। और उसमें 10 बच्चों की जान जाने की खबर आ रही है आईसीयू के, मीडिया रिपोर्ट्स को अगर सच माना जाए तो। वहां कोई सिलेंडर फट गया है। अब सर सरकारें लगातार लापरवाह हो रही हैं। मान लीजिए चलिए मऊ में इकाई कोई घटना हो जाती है, लेकिन घटना के बाद बाइकों की भिड़ंत में पुलिस चोटिल हो जाती है, पुलिस पिट जाती है या पुलिस की गाड़ी तोड़ दी जाती है, और सर पुलिस देखती रह जाती है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, अस्पताल तक भीड़ आ जाती है। आखिर आपसी सामंजस्य क्यों बिगड़ रहा है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? हम देखिए इस पे तो अब चर्चा होनी चाहिए, अब चर्चा होनी चाहिए। नहीं सर यहाँ तो एक सवाल मेरा आपसे भी है कि आखिर किसी चीज को इतना क्यों दबा रहे हो? वो और तीव्र वेग से फिर काम कर रही है, क्यों इतना दबाया जा रहा है किसी चीज को? हम XYZ की बात करते हैं, किसी चीज स्प्रिंग को उतना ही तो दबा सकते हैं जितनी लिमिट है। अब इसमें दबाने की कोई बात ही नहीं है। दो लोगों की मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई है, बहस हो रही है, एक शख्स दूसरे शख्स की उंगली काट दे रहा, दूसरा शख्स पहले शख्स को 3-4 चाकू से वार कर दे रहा है। नहीं बात तो नाराजगी की है, दबाने और उसकी नहीं है कि गुस्सा हमारे जेहन में भर दी गई है एक दूसरे के प्रति। पहले नहीं बाइकें टकराती थी, हम एक दूसरे की बात सुनते थे, उसके बाद बात भी करते थे। अब ये तो समझे कि कोई आप समाज में क्या ले रहे हैं इसका मुझे नहीं लगता कि ये एक कहीं ना कहीं असंतोष है। और अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझना, दूसरे को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। गुस्सा और विवाद तो तभी कमेगा कि एक आदमी शांत हो जाए, तो विवाद शांत हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि आप पुलिस पे अटैक कर दे रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश में पहली घटना नहीं हुई है। अभी हाल में गोरखपुर में जो सर पुलिस की अगर बात करोगे आप, देखो गोरखपुर में हुआ, बहराइच में हुआ, नहीं बहराइच की पुलिस पर अटैक नहीं हुआ, गोरखपुर में पुलिस पर अटैक हुआ। पुलिस गई थी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, एक बेटी की इज्जत उसने लूटी थी, वहां गई थी गिरफ्तार करने के लिए, तो पुलिस पर अटैक हुआ उस दिन, श्रावस्ती में हुआ उस दिन। हाँ नेताजी के भाई ने पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ दिया। अभी मेरठ में हुआ सर, मेरठ में हुआ। हाँ तो मतलब आप अगर डिटेल में अभी देखोगे एक सप्ताह में ऐसी 10 घटनाएं मिल जाएंगी। नहीं तो ये तो कहीं ना कहीं है कि पुलिस के
एक तरफ तो कुछ पुलिस वाले बड़ी मनमानी कर रहे हैं, ये भी सच है, जो नियम कानून नहीं मांग रहे हैं। पहले आपने एक खबर पढ़ी होगी, कोतवाल साहब ने सरेआम वर्दी फाड़ दी। हाँ, वो तो सुल्तानपुर की घटना थी, धरना प्रदर्शन चल रहा था। वो क्या रहा है सर, बात ये है कि ये हो क्या रहा है, जुआ पकड़ का पैसा लेके इंस्पेक्टर साहब गायब है। नहीं नहीं, वो तो अपराधी टाइप के पुलिसकर्मी है, वो तो अलग बात है। कुछ पुलिसकर्मी अपराधी बन गए हैं, और उसमें ये नहीं है कि इंस्पेक्टर साहब पैसा लेके भाग गए हैं। बड़ी बात यह कि उनको यहाँ पे लाइन हाजिर किया था कमिश्नर ने। वो साहब इतने ताकतवर हैं, किसी नंदी महाराज की कृपा है उनके ऊपर, उस पारसनाथ गुप्ता के ऊपर। अब नंदी महाराज कौन है भाजपा में, पता करना पड़ेगा। तो नंदी महाराज भाजपा में बड़े ताकतवर हैं, तो नंदी महाराज के शायद कर्फ्यू बता जा रहे पारसनाथ गुप्ता साहब। जो आदमी लाइन हाजिर है, जो सस्पेंड है, उसका वो ट्रांसफर हो जाता सीबीसीआईडी में, और उनके साथ एक पत्रकार महोदय भी थे जो अपने आप को सीएम को एसडी बता रहे थे। वो तो 41 लाख रुपए लेके भागे हैं लोग। जब हल्ला मचा और सब कुछ हुआ, तब आज जाके एफआईआर हुई है। तो कहीं पुलिस माल छीन के चली जा रही है, कहीं पुलिस वाला फर्जी एसओजी बन जा बन के व्यापारियों को लूट ले रहा है, और कहीं जनता पुलिस को ही पीट दे रही है। कहीं पब्लिक आरोप लगा रही है कि फेक इनकाउंटर बहुत हो रहे हैं। सुल्तानपुर वाले मामले में देखिए, जब मंगेश यादव मारा गया तो परिवार वालों ने कहा कि नहीं, ये फेक इनकाउंटर है। बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, उनकी मां कोर्ट तक पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सामान्य नहीं है। शिव कुमार जी, मुख्यमंत्री जी चाहे जो भी कहें, और झांसी वाली घटना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेडिकल कॉलेज के बारे में जो खबरें आ रही हैं, वो एनआईसीयू में आग लगी है, और ये अंदर 37 बच्चे बचा दिए गए हैं, 50 से ज्यादा भी भर्ती हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने दर्शकों को ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और साथ में हम बात करें तो मऊ में स्थिति सामान्य है। मऊ के वीडियोस पर ध्यान ना दें, मऊ के वीडियोस अगर किसी तरीके के सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं तो वीडियो अपनी जिम्मेदारी पर शेयर करें, क्योंकि प्रशासनिक स्थिति ठीक है। एसडीएम साहब और सीओ साहब, जो वहां दूसरे सीओ साहब पहुंचे हैं, वो स्थिति को संभाल चुके हैं और लगातार जनता से बातचीत का सिलसिले की बात कर रहे हैं। फिलहाल जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक वहां हालात सामान्य हो रहे हैं। थोड़ा सा बाहर की पुलिस फोर्स बुलाकर, लोगों को रात का वक्त है, तो अगर ये बवाल दिन में होता तो थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था, लेकिन रात का वक्त है तो जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन शिव कुमार जी, एक चीज तो देखना पड़ेगा कि क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए यूपी पुलिस की ट्रेनिंग अब बहुत जरूरी हो गई है। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूं आपकी बात से सर। और कोई बहुत, और जो लोग पुलिस के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे बहराइच की घटना में पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे, बवाल हो रहा था, वो चुपचाप देख रहे थे, वीडियोस थे, न घायल को लेके गए। लेकिन मऊ में पुलिस घायल को लेके अस्पताल पहुंची है। तो जहां पुलिस सही है, वहां हमको जनता को, समाज को, मीडिया को पुलिस के अच्छे पक्ष को बताना भी होगा। और सीओ को चोट लगी, एसओ को चोट लगी है, और समाज की भी जिम्मेदारी है। और जो भी लोग पुलिस के ऊपर आक्रमण किए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए सर, बढ़िया। दूसरा, नहीं नहीं, एक अभी अपडेट आपको और दे दूं कि झांसी वाली घटना में डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी झांसी के लिए रवाना हो गए हैं। तो
ये अपडेट देना जरूरी था। चलिए चलिए, बिल्कुल आपने, और इस आपने बड़ी गंभीर इस प्रोग्राम में बातें रखी जो एक समझदार और अच्छे नागरिक का कर्तव्य है कि हम खबरों को खबरों की तरीके से परोसें, इस हिसाब से न परोसें जो समाज में बेमनस्यता पैदा हो। हम आम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि बेमनस्यता वाली जो खबरें हैं उनको कम शेयर करें, जो भाईचारे की खबरें उनको आगे बढ़ाएं, इस समाज में रहने के लिए इस समाज को दूषित न करें, अच्छा समाज का निर्माण करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, किसी और खबर के साथ फिर हाजिर रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।